नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कल हम लोगों ने इस बैच में अध्ययन की शुरुआत की थी। कल संक्षेप में पूरे कार्यक्रम का हमने परिचय लिया था और आज हम इस कोर्स के बारे में परिचय लेंगे। जो कोर्स का नाम है वो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग नेचर एंड डिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि हम इसमें मानव को, प्रकृति को और अस्तित्व समग्र को विस्तार से गहराई समझने का काम करेंगे। तो ऑलरेडी जो हमारे पास परिचय है इस आधार पे, तो हमने मानव के बारे में संक्षेप में भी समझने का काम किया है, प्रकृति और अस्तित्व को भी समझने का काम किया है। परंतु यहाँ पे अब हम मानव को समझने के आधार पर प्रकृति और अस्तित्व को गहराई से समझने का, विस्तार से समझने का काम करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी प्रस्ताव हमें मिला है सूचना के रूप में, उसको हम अब ठीक ठीक देख पाए, समझ पाए, ताकि हमारे अंदर वो चीजें स्थापित हो जाए, समझ स्थापित हो जाए, भाव स्थापित हो जाए। ये इस पूरे कोर्स में प्रयास रहेगा। और हम सबसे अपेक्षा भी होगी कि जो भी बातें कही जा रही हैं उस शब्द तक न रुककर हम उसके अर्थ में जाएं, उसको स्वयं में देखें। और प्रतिदिन जो हम असाइनमेंट भी लेंगे वो उस अर्थ में जाने के लिए, अर्थ को बारीकी से देखने के लिए लेंगे। तो इस कोर्स के लक्ष्य को देखें तो एक तो यह है कि जो मानव की वास्तविकता है उसको ठीक से और समझा जाए। तो मानव का होना क्या है, जब मानव की बात करते हैं तो मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं की बात होती है। तो इसको और ठीक ठीक देखें, इसको और समझें। मानव की चाहना क्या है, उसको पूरा करने का कार्यक्रम क्या है। और ये थोड़ी जांच परख से अपने को दिखता है कि शरीर की तो हर आवश्यकता सामयिक है, हर क्रिया सामयिक है, शरीर का निर्वाह भी सामयिक है, परंतु मैं की आवश्यकता निरंतर है, मैं की हर क्रिया निरंतर है और मैं में जो रिस्पॉन्स होना है वो भी निरंतर है। तो मैं के निरंतर होने का हमें अनुमान लगता है, इसको और हम ठीक से देख सकते हैं कि मैं और शरीर एक ही है या अलग अलग है। मैं शरीर का ही कोई हिस्सा है, शरीर का ही कोई प्रभाव है, ये एक अलग वास्तविकता है। तो हमने अभी कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं जिससे हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। यहाँ वर्कशॉप में भी हमने कुछ जानकारियां ली, उसको हमने थोड़ा जांचने परखने का भी काम किया। अन्य स्रोतों से भी कई बार इस बारे में सूचना तो मिलती है कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हो सकती हैं कि नहीं। कई बार मैं को हम भिन्न भिन्न नामों से भी कहते हैं। तो मुद्दा क्या है, बात क्या है, मैं हूं क्या, क्या इसको ठीक ठीक देखा समझा जा सकता है, तो इसको हम लोग समझने का और काम करेंगे। और इससे एक निष्कर्ष निकल पाएगा, परंतु इसको अभी ओपन रखते हैं, कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूं। जो सेल्फ है वो सेंट्रल है मानव के अस्तित्व में। शरीर एक उसका साधन मात्र है, सुविधाएं शरीर के लिए साधन मात्र है। इस बात को अगर हम समझ पाते हैं तो हमारे जीने का केंद्र भी बदलता है। जहां हमारे जीने का केंद्र अभी कोई सुविधा हो सकती है या संवेदना हो सकती है, उसके स्थान पर हम स्वयं को केंद्र में रखकर भी अपने जीने का पूरी पूरी योजना, पूरा कार्यक्रम बना सकते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, इस बात को और एक्सप्लोर करेंगे कि मानव के होने में मैं केंद्र में किस प्रकार से है। तो एक लक्ष्य तो ये है जी। फिर इसके साथ हम प्रकृति और अस्तित्व को भी और विस्तार से और गहराई से समझने काम करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में हम लोगों ने आखिरी हिस्से में थोड़ी बात की थी कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। तो हमने ये देखा था कि प्रकृति की जब बात करते हैं तो दो तरह की वास्तविकताएं दिखाई देती हैं, जड़ और चैतन्य। और ये भी दिखाई देता है कि ये सब इकाइयां हैं, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो। परंतु इन इकाइयों के साथ अस्तित्व में एक और वास्तविकता है जिसको कहते हैं शून्य, जो क्रिया शून्य है। इकाइयों को देखें तो दिखता है कि ये सारी इकाइयां क्रियाशील हैं, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो। पर इनकी क्रियाशीलता का आधार क्या है, इनके ऊर्जित होने का आधार क्या है, इनके नियंत्रित होने का आधार क्या है, उसको जब समझने जाते हैं तो दिखता है कि शून्य में संपृक्त बने रहते हुए ये सारी क्रियाएं ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचानती हैं, निर्वाह करती हैं। हमको दिखेगा कि ये जो संपृक्तता है ये पूरे अस्तित्व के केंद्र में है। इसी को नाम दिया सह अस्तित्व। तो अस्तित्व के होने के केंद्र में सह अस्तित्व है।
पूरा अस्तित्व से अस्तित्व पूर्वक है। अब जहां हम अभी दिन भर की अगर कल्पनाशीलता को जोड़कर देखें, हमारा ध्यान अपनी ओर थोड़ा सा, थोड़ा परिवार की ओर होता है, थोड़ा आसपास के जो चीजों के साथ निर्वाह करते हैं उसकी ओर होता है, कई बार हमारा ध्यान फैल ही नहीं पाता पूरे अस्तित्व की ओर। एक तो इसमें मेजर काम यह होगा कि क्या हम पूरे अस्तित्व पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्या पूरे अस्तित्व को भी समझ सकते हैं, और जब समझ जाते हैं तो दिखता है कि उसका भी मूल क्या है, पूरे अस्तित्व का मूल क्या है, आधार क्या है, तो दिखता है कि इससे अस्तित्व है। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस कोर्स में, और ये भी दिखेगा अपने को कि जो कुछ भी हम प्रकृति में देख रहे हैं, अस्तित्व में देख रहे हैं, ये इसी सह अस्तित्व का एक प्रकटन है। जो कुछ भी हो रहा है सह अस्तित्व पूर्वक हो रहा है, मैं आप बने हुए हैं सह अस्तित्व पूर्वक, निर्वाह कर रहे हैं सह अस्तित्व पूर्वक, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी हवा पानी सब एक निश्चित नियंत्रित ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सह अस्तित्व पूर्वक। इस पूरे को हम देखते हैं तो हमारा एक विजन भी बनता है पूरे लाइफ के बारे में, पूरे सोसाइटी के बारे में। जी भैया नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो इसके साथ जब हम इस बात को देख पाएंगे तो हमें मानव की भागीदारी क्या है इस पूरे अस्तित्व में, और सिर्फ आजकल नहीं, आज और कल के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या भागीदारी हो सकती है, उस पर भी हम स्पष्टता देख पाते हैं अपने आप में। तो जब हम देख पाते हैं इसको कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ और मेरी उपलब्धि मुझ में ज्ञान समाधान होना है, अस्तित्व के केंद्र में देखे तो अस्तित्व है, तो अपने को ये दिखता है कि ये ज्ञान समाधान का मतलब भी क्या हुआ, इस अस्तित्व दिख जाए तो हम इस अस्तित्व को देख पाए, अस्तित्व के आधार पर ही हमारे अंदर भाव विचार हो, ताकि मैं इस अस्तित्व पूर्वक जी पाऊं मानव के साथ भी, विशेष प्रकृति के साथ भी। तो यही मानव की भागीदारी, यही मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, और अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान हो जाए, इतना हो गया तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ छूट गया क्या, क्या लगता है? यहाँ चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा ज्ञान हमें हो जाए, मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, और अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान हो जाए, तो हमारे ज्ञान के लिए और क्या शेष रह जाता है, या ये संपूर्ण है, क्या लगता है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इज इट कम्प्लीट और नॉट, इसको और आराम से देख लें, या ये संपूर्ण है कि नहीं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरे विचार में ये संपूर्ण ज्ञान जो आप बोल रहे मानवता के प्रति, ये नहीं है, नॉट है उसका आंसर, यस नहीं हो सकता, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो अच्छा रहेगा भैया। तो बताएं इसमें क्या शेष रह जाता है। हाँ जी भैया जी, नहीं इसको थोड़ा हम और देख लें, इसमें और क्या शेष रह जाता है, अगर हम मानव को जान पाए, अस्तित्व को जान पाए, अस्तित्व में मानव की भागीदारी को जान पाए। हाँ जी भैया जी, ठीक है, ठीक है, इसको आप और देखिए, इसको और देखिए, इसको। अब अगला प्रश्न ये है कि अभी हम अपने जीवन में जिस पड़ाव पे हैं, तो चाहे हम यंग हो ओल्ड हो, क्या लगता है ये ज्ञान सुनिश्चित होना हमारी एक मौलिक आवश्यकता है कि नहीं, या आवश्यक है कि नहीं हमारे लिए, या इसके बिना भी काम चल जाएगा? जी सर, नमस्ते सर। ज्ञान का पानी जो कॉम्प्लीटनेस है वो मौलिक है और बहुत मतलब कठिन भी है, मतलब ये जितना इजी वी आर रेस्पोंडिंग बट इट इज वेरी वेरी लाइक वो सूक्ष्मता को वो पहचान के लिए तो बहुत वो, ये वेरी ये प्रोसेस जो है इतना मतलब इजी नहीं, कैसे लगता है सर? तो इजी नहीं मतलब कि अभी जिस तरह का हमारा जीने का अभ्यास है उसके अनुसार हो सकता है हमको उस पर ध्यान देना थोड़ा कठिन मालूम देता हो, हमारा ध्यान बहुत सारे और मुद्दों पर फैला हुआ है, बट एक बार हमको दिख जाए कि आवश्यक है और इसके बिना काम नहीं चलेगा, यानी यदि मैं सुखपूर्वक जीने की बात करूँ तो इससे कम में मैं सुख की निरंतरता को सुनिश्चित नहीं कर सकता, तब तो इसको हम कर पाते हैं, है ना? तो ये भी बात हमें और अपने आप में स्पष्ट हो जाए कि क्या हम सुख की निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, अगर चाहते हैं तो उसके लिए यही कार्यक्रम है या कुछ और भी हो सकता है।
नहीं यही तो कार्यक्रम है सर, लेकिन ये जो जो एफर्ट का जो प्रोसेस है, जितना मतलब हर क्षण में एवरी मोमेंट में, तो सुख समृद्धि जो चाहते हैं, जो मानव का लक्ष्य है, तो वो साधन करने के लिए बहुत मतलब इतना इजी नहीं होता है सर। ठीक है ना, देखिए एक बार हमको दिख जाए कि हाँ आवश्यक है, करने योग्य है, ये तो कोशिश अभी तो प्रयास चल रहा है सर, हर क्षण में करने के लिए जो जो सूक्ष्मता को देखने के लिए वो मतलब कोशिश हो रहा है सर, दैट इज ट्रू सर, बट इट इज लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड डेफिनेटली द एंटायर एग्जिस्टेंस इज देयर एंड एवरी पार्टिसिपेशन इज देयर बिकॉज फॉर ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस everybody is part like entire all the units are responsible for this existence and coexistence, but it is like completeness of understanding is कोशिश हो रहा है सर, वो तो ठीक है सर। जी जी, बढ़िया बढ़िया सर। इनफैक्ट ये भी हम देख लेंगे, जब हम किसी काम को डिफिकल्ट कहते हैं तो हमारा आशय क्या होता है। एक आशय ये सर उसमें समय लगेगा, ठीक है, हाँ जी सर। दूसरा हो सकता है कि उसको करने बहुत दुख भोगना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, तो समय लग सकता है परंतु सुखकारी है, जितना भी समझ लेते हैं उसका सुख मिलता है। हाँ ये तो ठीक है सर। तो कई बार हम काम को डिफिकल्ट इसलिए भी कहते हैं, बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, है ना, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ समय लग सकता है, इतना जरूर है। हाँ सर ठीक है। जी भैया नमस्ते सभी को। जी भैया, भैया जो ज्ञान की यहाँ बात होती है, ज्ञान तो कम्प्लीटनेस है, पर ये भी है कि समय तो लगेगा इस पे। जितना हमने उस पे वर्क किया तब तक तो हमें सुख लगता है वो, लेकिन कोई परिस्थिति सामने आया तो हमें लगता है कि यहाँ तक अभी हम नहीं पहुंच पाए, अभी इसमें प्रयास चल रही है। परंतु भैया मेरे साथ क्या हो रहा है अभी यहाँ पे क्वेश्चन की इतनी सूक्ष्मता बढ़ गई है कि मुझे पीछे की चीजें भी, जैसे संस्कार, जैसे कहते हैं ना कि पीछे की संस्कार दिखने लग गए, और उसमें क्या हो रहा है कि जो एनर्जी लेवल जो मेरी है कॉन्शियसली, वो जैसे कहीं मैं कहीं भी किसी भी स्थान में जाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी वो ड्रेन हो गई और कुछ जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऐसा क्यों बार बार ये भाव फिर से ये शुरू हुआ है मेरे, और वो सूक्ष्मता इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे लग रहा है कि नहीं ये कुछ दिख तो नहीं रहा इन आंखों से, लेकिन उसको मैं इतनी ज्यादा महसूस कर रही हूँ, जो मुझे नहीं वो चीज पसंद है और वो चीज मेरे साथ घटना घट रहा है। मुझे इसमें एक संभावना तो ये है कि जो पास में घटी हुई घटनाएं हैं उस पर पुनः ध्यान चला गया है, परंतु समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ है, तो समस्याओं के रूप में उभर कर आ गया है। तो जैसे कोई रोग हो, है ना, तो एक स्थिति तो सके रोग है और रोग का पता नहीं है, दूसरी स्थिति है कि रोग है और पता लग गया, तीसरी से रोग है, रोग का पता लग गया और उसका निराकरण का तरीका भी समझ में आ गया। तो पहली स्थिति तो बेहतर नहीं है, क्योंकि रोग है और पता नहीं है, क्योंकि अचानक किसी दिन पता लगेगा तब तक बहुत बड़ा रोग हो चुका होगा। जी। रोग है और पता लग गया तो थोड़ी पीड़ा हो सकती, बढ़ जाए कि देखो इतना बड़ा रोग है और हमको अभी तक पता नहीं था, और है ना क्या होगा, मेरा क्या होगा, शरीर का क्या होगा, ऐसा हमारे अंदर कुछ भाव बने, तब वो पीड़ा की स्थिति पाते हैं। परंतु यदि उसके निराकरण का उपाय समझ में आ जाए कि रोग दूर कैसे होगा। जी भैया, जी भैया, लेकिन भैया जैसे हम एक जैसे कहीं कार्यस्थल में जैसे किसी के व्यवहार में आ रहे और हम कमेंटेड हो जाते हैं उनके साथ, और बाद में वो दिखता है कि वो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे कहीं और से आ रही है, लेकिन उससे मैं बचाव जो कहते हैं ना एक अपनी सेफ्टीनेस के लिए क्या करूँ, क्योंकि सेफ्टी तो मुझे वहां रहना पड़ेगा, अब 4 घंटा रहूं या 10 घंटा रहूं, लेकिन उस चीज की उस इन्वायरमेंट में तो मैं हूँ, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जी ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ चीजों में जैसे हम बात भी करते हैं तो पूरा पर्टिकुलर डिटेल नहीं मिल पाता, तो यदि पर्टिकुलर डिटेल के साथ अगर बात करना हो तो आप अलग से कॉल कर ले, है ना, अगर सेफ्टी का मुद्दा है कोई ऐसे अगर विशेष तो आप अलग से बात कर ले, उस पर हम लोग कुछ देख सकते हैं, समाधान अगर हो सकता है। परंतु मूल बात इतनी है कि अगर मेरे पास उस परिस्थिति में अपने लिए समाधान दिखाई देता है तब तो मैं आराम पाता हूँ, समाधान नहीं दिखाई देता तो समस्याग्रस्त हो जाता हूँ।
नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया ये एक्सप्लोर तो अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे पहले, अगर हम पहले के कंपेयर में आज देखें, तो पहले क्या था कि घर में मतलब न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी और दादा दादी रहते थे, तो वो कुछ ऐसे जैसे गीता रामायण बच्चों को सुनाते थे, तो बहुत सारी चीजें वहां से वो बच्चे मतलब सीखते थे। आजकल क्या है, ये चीज मिसिंग है कि हम हाँ तो हम मतलब, और बाकी जो हम पर्सन मतलब हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, आजकल क्या हो गया कि मनी ओरिएंटेड काफी ज्यादा हो गए हैं कि हमें लगता है कि मतलब बिना पैसों के तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब नीड, हम अपनी नीड को लिमिट नहीं कर पा रहे हैं जी। मतलब एक दूसरे को देख के, तो इसमें जो है भैया कि ये है कि हम मतलब खुद को एक्सप्लोर करें और साथ के साथ जो हम आसपास के लोग हैं उनको भी इस चीज के लिए अवेयर कराएं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। पहले भी लोग रहते थे, पहले भी ना तो मोबाइल था ना ये था, तो फिर भी कम्युनिकेशन होती थी, पर अब वही है कि अब बिना मोबाइल के कम्युनिकेशन भी नहीं होती कि हाँ कहीं जाना हो। पहले लोग जाके मिलके एक दूसरे से रिलेशन बिल्डअप करते थे, अब वो चीज मिसिंग हो गई है। एक मैसेज कर दिया, हो गया बस कि हाँ हमने अपना काम कर लिया, तो ये चीज आज की लाइफ में बहुत मिसिंग है जी। तो इसके लिए और, इसलिए भैया ये है कि हमें मतलब हमें जो हमारा बॉडी है उसके अलावा हमें अपने लिए मतलब एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी के लिए हम अभी सब समय लगा रहे हैं सुबह सुबह। तो बहुत लोग जानते हुए भी बहुत लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं भैया, कि हमें पता है कि हमें ये करना है, पर फिर भी हम क्या करते हैं उसको अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम भी नहीं निकाल पाते, और फिर हम सोचते हैं कि चलो ये तो ऐसे ही चल रहा है, चल लेने दो। ठीक बात है, तो इसकी आवश्यकता तो है, ये तो बात निश्चित है, इसकी आवश्यकता है। हाँ भैया इसकी तो बहुत जरूरत है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया भैया कि न्यूक्लियर फैमिली की वजह से काफी सारी चीजें जो है बच्चों के अंदर मिसिंग है, जो चीज वो फैमिली से सीखते थे अब वो चीज वो सीख नहीं पा रहे हैं, है ना, है ना। तो कल्पनाशीलता को अभी एक निश्चित वस्तु भी नहीं मिल पा रहा। हाँ भैया बहुत जरूरी है कि समझ की वस्तु परिवार में विधिवत बच्चे बूढ़े जवान सब तक पहुंचे, उसके लिए हम परिवार सभा करें या तो आपस में बैठें और कुछ समय लगाएं, और जो बहुत सारी चीजें रीति रिवाज के रूप में भी बनी हुई है उसमें भी कई बार हमारा ध्यान वास्तविकता की ओर जाता है, संबंधों की ओर जाता है, व्यवस्था की ओर जाता है, अस्तित्व की ओर जाता है। उस पर बस इतना ही करने का काम है कि जो भी सूचना मिल रही है उसको हम एक प्रस्ताव के रूप में लें, उसको जांचें समझें, और उसी क्रम में देखें तो ये जो सुबह का सत्र है कि जो भी बात कही जाए उसको एक प्रस्ताव के रूप में लें और उसको जांचे समझें, और ऐसा एक निश्चित कार्यक्रम तो परिवार में होना जरूरी है, क्योंकि कल्पनाशीलता के लिए कोई तो वस्तु चाहिए, अगर सही वस्तु नहीं आती तो हम गलत वस्तु उठा लेते हैं, तो बच्चों के सामने अगर हम सही वस्तु न रख पाएं तो बच्चे के पास सूचना के तो अन्यत्र बहुत सारे स्रोत हैं, तो पूरे समय मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम में लगे रहते हैं, तो यदि हम कोई सही वस्तु उपलब्ध करा दें तो उसमें लगे रहेंगे। तो ठीक बात है, इसकी आवश्यकता तो है ही, और धीरे धीरे इसकी आवश्यकता और बढ़ती भी जा रही है। हाँ भैया, क्योंकि लोग मतलब बहुत ही अपने मतलब पैसे के लिए, जॉब के लिए बहुत ही बिजी हो गए हैं, मतलब मेरे हिसाब से। और दूसरा भैया ये है कि जैसे स्कूल्स वगैरह भी हैं, तो उसमें भी आजकल क्या है कि सबको ये लगता है कि हाँ हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, फिर वहां क्या होता है कि मतलब फीस इतनी ज्यादा होती है, फिर उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, फिर वो उनको लगता है कि अब ये कहाँ से आएगा। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा फीस देने से अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये भी हम हाँ नहीं भैया ये तो है ही ज्यादा। इनफैक्ट ये भी हो रहा है कि अगर बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया तो बच्चा तो इतना ज्यादा उसका कंडीशनिंग हो जाता है सुविधाओं को लेकर, कि पूरे समय उसकी कल्पनाशीलता वही चलता है कि अन्य बच्चों को देखता है महंगी गाड़ियों में, महंगे कपड़ों के साथ, महंगे गैजेट के साथ, तो उसको लगता है यही लक्ष्य है मेरे जीने का, इसको पूरा करना होगा, नहीं तो सम्मान नहीं है, ये तो सुख नहीं है। हाँ बस ये पड़ता है बच्चे को, ये
ये चीज भैया बच्चों के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए भी भैया ये चीज काफी मतलब वो है कि इसको हम हटा पाए या फिर कुछ कम कर पाए तो बेनिफिशियल है ये। जी जी ठीक बात है। तो एक तो हमें अपने जीने इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि जितनी महंगी शिक्षा उतना अच्छा ज्ञान ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शिक्षा की कीमत से ज्ञान का कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमें देखना कि शिक्षा की वस्तु क्या दी जा रही है, कैसा संस्कार मिल रहा है बच्चों को। ठीक है तो बढ़िया, हम सब लोग देख पा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता तो है, ये भी देख पा रहे हैं कि ये संपूर्ण है। अगर इतना सुनिश्चित कर पाते हैं तो हमारा ज्ञान पूरा हो पाता है। ठीक बात है, परंतु इसको भी हम ओपन रखें और जांच परख करते रहें। और जितने भी नए प्रश्न आते उनका स्वागत है, क्योंकि हम लोग इसमें प्रश्नों के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं। हम अपने जीने से जुड़े हुए, अच्छा अनुरेखा जी कनेक्ट नहीं कर पा रही माइक्रोफोन से, जितने हम प्रश्नों को यहाँ रख पाते हैं उतना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी उपकारी होता है। रश्मि अग्रवाल जी, जी आपका एक मैसेज भी था। नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते भैया जी, इसकी आवश्यकता तो दिखती है, ये तो मैंने लिखा भी चैट में कि वो तो हर जगह घर में परिवार में अपने आप में सब जगह दिख रही है, पर मुझे कुछ इस तरह से अटकाव दिखता है कि मतलब जो अभी समाज की कंडीशनिंग है, जो इस तरह से पूरा माहौल सब तरफ है, उसमें हम इस चीज के साथ सरवाइव करना ये भी बहुत टफ दिख रहा है मुझे। जैसे अभी समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा जरूरी है और मैं इसमें लगी हुई हूँ समझने में, तो बाकी तरफ से अपने आप को कट महसूस करती हूँ। उस वजह से लोगों को लगता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में हूँ या पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो मैं अपने आप को भी उन चीजों में नहीं व्यस्त रख पा रही हूँ जहाँ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं उस तरह से भी अपना लगता है क्या व्यर्थ में जी रहे हैं कई जगह। उसको और थोड़ा सा अभी आप देखिए, अभी वो लोग कितने लोगों से जुड़े होंगे जिनके साथ वो अपने स्वयं में की बातें कह पा रहे होंगे, और अभी आप 242 लोगों से जुड़ी हुई है, तो कोई कम संख्या तो नहीं है। जी नहीं है, यहाँ तो संख्या कम नहीं है, पर घर में परिवार में जो लोग है, जैसे इन लॉज है या पूरा कजिन फैमिली है, जो भी है घर में ही, यदि मैं कर रही हूँ पर बाकी तो सब नहीं कर रहे, तो घर में जो चलता है पूजा पाठ चलते रहती है वो सब इतना होता है, जब मतलब बाकी भी चीजें जो डेली सेलिब्रेशंस में जो हम पूरा इन्वॉल्व करते हैं, पूरी जिंदगी गाड़ी और साड़ी में निकल जा रही है। जी जी उस चीज ठीक बात है, आपका तो ध्यान कम से कम चला गया ना जी, और पूजा पाठ में भी एसेंशियली देखे तो प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें इतना कह दीजिए कि ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं है ना पूजा पाठ के दौरान, जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसका हम अर्थ भी समझेंगे। जी जी ठीक, बस थोड़ा सा आपको उसमें एडिशन करना है कि जो मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको सिर्फ हम संस्कृत में पढ़ के गुजर नहीं जाएंगे, इसके अर्थ में भी जाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप आएंगे बहुत सारी वास्तविकताएं खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि अभी हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं उनके अर्थ पे ध्यान नहीं जाता। जिनको भी हम इष्ट कह रहे हैं उनमें जो गुण है उनके गुणों पे बात करेंगे जी, है ना, और उन गुणों को स्वयं में साधने का, स्वयं में सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो जो भी अवसर है उसका हम सदुपयोग तो कर ही सकते हैं, और जब हम सही अर्थ में जुड़ते हैं तो हमको तो पूरा समाज परिवार जैसा दिखता है, पूरा विश्व एक परिवार जैसा दिखता है, हमारा हर भाव विचार अखंड समाज के अर्थ में होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों से कट जाते हैं, बल्कि हम अभी जिन लोगों से जिस तरह से जुड़े हुए हैं उसमें परिवर्तन होता है। तो हो सकता है अभी हम कई सारे मान्यताओं पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन मान्यताओं के आधार, उस मान्यताओं के स्थान पर अब हम सही भाव सही समझ के साथ जुड़ पाते हैं। और दूसरा कि अभी हम जिन लोगों के साथ अपना जुड़ाव नहीं देख पा रहे थे उनके साथ भी जुड़ाव को देख पाते हैं, कि दोनों ही काम होता है। तो अभी जो हमारा जुड़ाव है परिवार में, परिवार समूह में, कुंबे में, वैसा हो सकता है कि मान्यताओं के आधार पर है, संवेदनाओं के आधार पर है, परंतु अब जो जुड़ाव बनता है वो सही भाव सही समझ के आधार पर होता है, और उसमें तृप्ति भी होती है। तो हम कई बार जुड़े तो रहते हैं बट दुखी भी रहते हैं उन संबंधों में, अब जब हम जुड़ते हैं तो सुखी रहते हैं, हमारा सुख सुनिश्चित होता है, और जो भी हमसे जुड़ता है उसका भी सुख बढ़ता है।
एक बात तो ये होती है, दूसरी बात ये होती है कि अब हम अपने संबंध को और फैल के देख पाते हैं, ये सिर्फ कुनबे तक नहीं है, ये तो विश्व के हर व्यक्ति के साथ है। जी जी भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर भैया जी अभी जैसे हमारी समझ तो बनी नहीं है पूरी, और मतलब हम किस कहीं पे एक्सप्लेन भी करने की स्थिति में अभी नहीं है, आपस में भी घर में ये कोई किसी भी चीज में, तो अटकाव को कैसे रिजॉल्व करूं? जैसे अभी मेरी बिटिया की शादी हो लायक है, अब उसके लिए लड़का देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पत्रिका में या ये जो मांगलिक है ये सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए, समझ के आधार पे होनी चाहिए। मतलब एक ये पॉइंट में, दूसरा ये है कि परिवार में तो ये मानना ही है कि भाई लड़का है ड्रिंक तो करेगा ही, ये सारी चीजें तो देखने की नहीं है अभी, ये तो मान के ही चलो कि ये कॉमन है, और मुझे वो चीज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, तो जो चीज मुझे एक्सेप्ट नहीं है वो मैं एक्सेप्ट कर भी नहीं पा रही हूँ, और बाकी सबका मानना और मेरे मानने में कुछ ऐसे क्लॉजेस में मैं अटक जाती हूँ, तो मुझे अपने पे काम करना है, पर मैं गलत चीजों को कैसे एक्सेप्ट करूँ? देखिए, इन्हीं सब उलझनों से निकलने के लिए तो मॉर्निंग सेशन है। वही मतलब कैसे निकलूं, इसीलिए आपको प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं काफी दिन से इस चीज को अपने आप में रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हूं, पर मैं नहीं कर पा रही। जी, तो होता क्या है कि हमारे अंदर जो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना, वो अपनी भागीदारी को लेके बनते हैं, तो मेरी भागीदारी क्या है, बच्चे की शादी होनी है, किसी का इलाज होना है, परिवार में कोई समस्या बन गई है, तो हम अपनी भागीदारी को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पूरा हो, ठीक ढंग से कैसे पूरा हो। परंतु उसके मूल में जो दो बातें पहले हम लोगों ने कही कि अपनी समझ होना और अस्तित्व की समझ होना, ये जब तक नहीं होता है तब तक वो भागीदारी भी समझ में नहीं आती। तो अभी हम समाधान के बदले कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं, वो उपाय कई बार हम निकाल भी लेते हैं, कई बार कारगर भी होते हैं, कई बार कारगर नहीं होते हैं, बट वो कोई टेम्पररी सोल्यूशन जैसा ही होता है। तो हमें इस तरह के जो लाइफ के इश्यूज हैं, और ऐसे सुबह के सत्र में हम लोग जब बात करेंगे ऐसे मल्टीपल इश्यूज आएंगे, किसी के घर में है कि बच्चे की शादी होनी है उसके लिए निर्णय लेना है, किसी को अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण करना है, किसी को अपने वर्क प्लेस पे कोई इश्यू है उसको रिजॉल्व करना है, तो हम में से हर व्यक्ति कई तरह से संबंधों में तो जी ही रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे इश्यूज बनते ही रहते हैं, तो उनपे भी हम समाधान को देख पाएंगे क्योंकि ये सब हमारे भागीदारी से जुड़े हैं। परंतु उसके मूल में जो मानव को समझना है, जो अस्तित्व को समझना है, उसका क्या रोल है, वो भी अगर स्पष्ट हो जाए तो ठीक से हम उसको पूरा कर पाते हैं। तो अदरवाइज हम क्या होता है ना कि एक संपूर्ण समाधान के बजाय कुछ उपाय निकालते रहते हैं। जैसे आपने एक इश्यू बताया, इसमें कुछ उपाय बता भी दिया जाए तो उपाय सामयिक रूप से कारगर हो सकता है, परंतु मुद्दा सिर्फ बच्चे की शादी का नहीं है। एक बार बच्चे की शादी हो भी गई है ना, भले हमारी इच्छा अनुसार भी हो गई, अब वो आगे सुखपूर्वक कैसे जिए, वो एक नया मुद्दा बनता है। ठीक है ना, अब फिर वो सुखपूर्वक जी भी लिए तो इसमें टेम्पररीनेस है, निरंतरता में कैसे जिए, और वो जिले तो उनके बच्चे कैसे जिए, अभी सारे प्रश्न बने ही रहते हैं। तो अभी हमको जो सामयिक रूप से करना है हम कर ले, परंतु हम समग्र जो समग्र समाधान है उसको सुनिश्चित करें, नहीं तो नए नए प्रश्न आते ही रहेंगे। तो आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, जेन्युइन है, और जिस तरह से आप रख रही हैं वैसा कंसर्न लगभग हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में होगा ही। इसी के लिए तो हम अभी एकत्र हुए हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि हम इस तरह के सारे मुद्दों में जो मूल मुद्दे हैं उन पे हम स्पष्ट हो जाए, तो फिर इनका भी हम निराकरण कर लेंगे, उन पे भी समाधान निकाल लेंगे। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया दीदी। तो अगर कोर्स की मेथोडोलॉजी को देखें, तो जैसा अभी हम लोग UHE 1 और UHE 2 में भी कहते रहे हैं कि इसमें हम कोई उपदेश देने वाले नहीं हैं, कोई मान्यता को परोसने वाले नहीं हैं, कोई डूज एंड डोंट स्टूडेंट स्टूडेंट में बात नहीं करने वाले हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये गलत है या ये सही है ना, या कोई उपदेशात्मक कहानियां नहीं देने वाले हैं, तो कोई प्रसंग ले आए और उसमें कहानी के माध्यम से हमने वो कहा कि आप भी कुछ ऐसा ही करिए, बल्कि यहाँ पे हम कोई प्रस्ताव अपनी तरफ से रखने वाले हैं और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उस प्रस्ताव के हर कोण आयाम परिप्रेक्ष्य में हम उस पर चर्चा करेंगे, तो पूरी तरह से एक्सप्लोरेशनल है, जांच परख आधारित है, और चूंकि जांच परख आधारित है तो ऐसे जांच परख तो हम हर व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। हम शुरू में ही कह रहे हैं कि आप मेरी कोई बात मानिए नहीं, जांचिए, आप सहमत हो जाए ये भी उपलब्धि की बात नहीं है, असहमत हो जाए इसमें भी कोई उपलब्धि नहीं है, आप उस चीज को स्वयं में जांच के देख पाए तो जो आपको दिख जाएगा वही आपकी उपलब्धि है।
तो पूरी तरह से एक्सप्लोरेशनल है, जांच परख आधारित है, और इसमें हम कोई भी प्रचलित मान्यता रूढ़ी है ना इस पे आधारित कोई बात नहीं कहने वाले हैं, ना कोई हम करो ना करो के रूप में कोई बात कहने वाले हैं। कंप्लीटली देखें तो ये स्वयं में जांच परख की बात है, स्वयं में अन्वेषण की बात है, स्व अन्वेषण की बात है। तो हर बार हम चर्चा करते हुए अपनी सहस्वीकृति पे ध्यान देंगे, अल्टीमेटली मेरी सहस्वीकृति क्या है, क्योंकि वहीं से हमको जेन्युइन आंसर्स मिलते हैं। तो जितना जितना हम उस सहस्वीकृति पे ध्यान देने की योग्यता को बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर समाधान दिखने लगता है। तो पूरी तरह से जांच परख की प्रक्रिया है। तो जो अपने साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो तो इस प्रक्रिया को देख पा रहे हैं, परंतु इस पे भी अगर कोई आप रिमार्क देना चाहें, कोई कमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। क्या प्रक्रिया ठीक है, नहीं है, इसको एक्सप्लोरेशनल रखना ठीक है या नहीं है, जांच परख को आधार में रखा जाए या कुछ प्रेरक प्रसंग लाकर, कुछ हितोपदेश लाकर, कोई है ना आदेश लाकर बात रखी जाए, क्या लगता है? जांच प्रक्रिया, जांच परख की प्रक्रिया ठीक है या नहीं है? जी बढ़िया। तो इसी विधि से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो पूरे कोर्स की मेथोडोलॉजी यही होगी, जो गोल था उसके उन्होंने बात किया, जो मेथोडोलॉजी होगी यही होगी। तो अब सुबह के सत्र में भी आप धीरे धीरे पाएंगे कि मेरा रोल तो बहुत सीमित रह जाता है, अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव को रख देना, और शेष काम तो हम सबका है, जो मैं अपने आप में भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, इसको जांचना है और जी कर देखना है। चर्चा तो सुबह 1 घंटा होगी, परंतु जीने के लिए तो 2400 घंटे हैं, और हमको धीरे धीरे अपनी सजगता को बढ़ाना है। जब हमने वर्कशॉप अटेंड किया तो 5 दिनों तक आपने पाया होगा या 8 दिनों तक काफी सजगता रहती है, फिर धीरे धीरे सजगता कम होती जाती है, फिर हम लोग जब मीटिंग्स में मिलते हैं बैठते हैं तो फिर थोड़ी सजगता बढ़ती है, कोई पुस्तक पढ़ते हैं और सजगता बढ़ती है, परंतु फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमें एक एसेंशियल काम तो ये करना है कि अपनी सजगता बनी रहे, और उसी के लिए वो भी एक लक्ष्य है सुबह के सत्र का, कि हर दिन कम से कम सुबह 1 घंटा हम अपने ऊपर ठीक से ध्यान दे दें। ये सुबह 1 घंटा जो अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो ये बाकी के जो 23 घंटे हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है, क्योंकि अगर हम अपने आप में अवसाद में हैं, परेशानी में हैं, उलझन में हैं, आराम नहीं पा रहे हैं, तो हमारे कितने घंटे अपने मन को रंजित करने में निकल जाते हैं, है ना, हमें पता भी नहीं चलता। हमने एक मोबाइल उठा लिया, उस पर अपने आप को इंटरटेन करने लगे, 2 घंटे निकल गए, कहीं बैठ गए दोस्तों के साथ गप करने लगे, 4 घंटे निकल गए, तो ऐसा हो ही जाता है, ठीक। या अवसाद की स्थिति में है, जितने नींद से काम पूरा हो सकता है उससे अधिक नींद लेना पड़ रहा है, तो बहुत सारा समय हमारा व्यर्थ चलाता है। परंतु यदि हम हर सुबह थोड़ा ध्यान अपनी ओर ठीक से दे लें और उस सजगता को बढ़ाते हुए चले, तो दिन भर में जो हमारा काम करने की एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, ठीक, हमारे ऊर्जा की जो उपयोगिता है बढ़ जाती है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। ये बात ठीक है जी, बढ़िया। अगर कोर्स के आउटलाइन को देखें तो 5 मॉड्यूल्स हैं इसमें, हम लोग इस पर क्रमशः चलेंगे। तो जो पहला मॉड्यूल है वो उसमें हम परिचय लेंगे, तो मानव की चाहना क्या है, उसको पूर्ति करने का उपाय क्या है, और दिखता है कि उसकी पूर्ति करने के उपाय में जो समग्र समाधान है ना, उसकी आवश्यकता है, उसमें हम लोग बात करेंगे, समग्र समाधान किसको कहेंगे। मॉड्यूल 2 में हम ज्ञान के बारे में समझेंगे कि ज्ञान है क्या, ज्ञान किसको कहेंगे, है ना, तो ज्ञाता कौन है, ज्ञेय क्या है, और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, यानी ज्ञाता कौन है, ज्ञेय मतलब जानने की वस्तु क्या है, और जानने की प्रक्रिया क्या है। तो सरल और सरल शब्दों में कहें तो जानना क्या है, जानने वाला कौन है, क्या जानने की वस्तु है, और जानने की प्रक्रिया क्या है, किस चीज को हम जान पाते हैं, है ना, कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ सूचना के रूप में है, कौन सी चीजें हैं जो ज्ञान की वस्तु है, और उसमें हम ध्यान भी दे पा रहे हैं कि नहीं, और ध्यान देने भी जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक नोइंग का अर्थ भी क्या है, इसके हम विस्तार में जाएंगे। तीसरे मॉड्यूल में हम मानव के ज्ञान की बात करेंगे, मानव का ज्ञान का अर्थ क्या हुआ। तो मानव के ज्ञान की जब बात होती है तो मैं और शरीर, इन 2 वास्तविकताओं की बात होती है, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। PHP 2 में हम लोगों ने एक डायग्राम ओपन किया था जिसमें हमने सेल्फ की एक्टिविटीज को दिखाया था, उसमें 2 ब्लॉक्स की बात की थी, ब्लॉक B1 ब्लॉक B2, और उस पर कुछ शब्द लिखे थे।
अब उनके हम एक एक शब्द के अर्थ में जाएंगे और विस्तार से जाएंगे। फिर आगे प्रकृति और अस्तित्व की बात करेंगे। तो प्रकृति को देखते हैं तो चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं, उन चार अवस्थाओं में परस्पर पूरकता दिखाई देती है। और ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि इन चारों जो अवस्थाएं हैं ये शून्य में संपृक्त हैं, किस प्रकार संपृक्त हैं ये भी हम देख पाते हैं। तो इस पूरे प्रकृति और अस्तित्व को किस प्रकार बना हुआ है इसको हम समझने का काम करेंगे। और उसके साथ फिर इस समझ के साथ मानव का आचरण कैसा हो, है ना, इस समाधान के साथ मानव का जीना कैसा हो, इस पे बात करेंगे, ताकि हमको जीने का एक संपूर्ण कार्यक्रम समझ में आए, और वो भी सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि धरती पर मानवीय परंपरा बन पाए। तो ये पूरे कोर्स का आउटलाइन है जी। तो स्वागत है आप सभी का। इतनी जो बात हमने रखी इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ शेयर करना हो तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्कार जी, यशवंत जी नमस्कार। नमस्ते। आप सभी को नमस्कार। प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सजेशन है कि जैसे जो मॉड्यूल हमारे को मिल रहे हैं, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे को मिल रहे हैं, अगर इनकी जैसे हार्ड कॉपी वगैरह हमारे को मिल जाए और उसके लिए चार्जेस आप लोग ले लें, है ना, ये इसके बुक वगैरह जो है जैसे रेफरेंसेस वगैरह कुछ अगर बुक हमारे को मिल जाए तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा। जैसे अभी वो एक बहन ने भी बोला था कि हम लोग ऑनलाइन की तरफ चले गए, फेस टू फेस तरह हो गए, तो बुक में पढ़ना और मोबाइल में और लैपटॉप में पढ़ना, यशवंत जी आप जानते हो कि थोड़ा सा, है ना, तो ये थोड़ा सा ये मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बुक्स जो है अपनी लाइब्रेरी में नहीं मिल पा रही है या बाहर से हम वो नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं। बाकी जो आप जो हमारे को दे रहे हैं कंटेंट वो तो सफिशियंट है, बढ़िया है, पर वो जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग तो जुड़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, तो कई लोग उसको ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, तो वो बुक एक तरह से रखी जाए हमारे में, जैसे भगवत गीता वगैरह रखी जाती है, तो उस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। बस धन्यवाद जी। तो आपका प्रस्ताव तो उत्तम है, इस पे काम भी हो रहा है और बुक पब्लिकेशन के लिए रेडी भी है, पब्लिशर के पास जा भी चुका है, अब थोड़ा कुछ समय की बात है पब्लिशर के आ जाएंगे। और यशवंत जी मैंने इसमें ना जो वॉलंटियर के लिए भी भरा हुआ है मैंने राशि वाला जो है ना सहयोग का, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उस मेरे को जरूर इसमें मौका दीजिएगा जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली NCR में, द्वारका में। अच्छा बढ़िया, तो कभी अवसर मिले तो यहाँ पे NCR में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, आप आइए, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना भी हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भागीदारी की बात है तो बिल्कुल अवसर उपलब्ध है, परंतु थोड़ा और आप समय लगाएं। हाँ, आपने पहला वर्कशॉप कब किया था? मैंने अभी पीछे मैंने एक बार पहले किया था, वो उसमें मैं रूल एंड रेगुलेशन से अवगत नहीं था, इसकी वजह से मैं ढंग से नहीं कर पाया, तो सेकंड टाइम में मैंने कर लिया था, अभी लास्ट मंथ ही किया था, उसके बाद सेकंड वाला भी यू जो है वो मैंने कर लिया है, मतलब पहले वाला फिनिश होते ही मैंने दूसरा स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, तो मैं भी NCR में हूँ, कभी अवसर मिले आप नोएडा तरफ आते हैं तो आइए मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, नोएडा में और लगाइए थोड़ा ध्यान और कुछ निस्बट में मैं आता रहता हूँ, आपके पास आ जाएंगे, नॉलेज पार्क की तरफ वहां भी आ जाता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो पुस्तक तो अभी आने वाला है जल्दी, हो सकता है इस वर्ष ही हो जाएगा, है ना, कोई अब काम बचा नहीं है जी। और भागीदारी की जहां तक बात है स्वागत है, परंतु थोड़ा और समय लगाएं, ये सुबह का सत्र आप नियमित रूप से अटेंड करें और क्लैरिटी भी बनेगी। और मैं कंटिन्यूअसली इस पे रहा हूं और मैं चीजें सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसको इसको आगे आप लोगों के साथ मिलकर आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बढ़िया भैया। हां भैया नमस्कार। जी जी नमस्ते भैया, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो स्वयं करिकुलम वाला कुछ चल रहा है ना, स्वयं जी प्लेटफॉर्म पे। हाँ हेलो जी जी, स्वयं पे चल रहा है। हाँ हाँ जी, तो वो है क्या, लाइक हम लोग उसको कर सकते हैं कि कैसा है वो? बिल्कुल कर सकती हैं, और जो आप स्वयं प्लेटफॉर्म पे करने वाली वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी कोर्स मटेरियल, कोर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस, ये सारा कुछ रखा गया, और एक सेल्फ पेस्ट कोर्स के रूप में है, जब आपको अवसर हो आप उस वीडियो को सुन सकती हैं। अच्छा। और उसमें जो असाइनमेंट दिए गए हैं उसको कर सकती हैं। अभी उसके तो फॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसके तहत आप एक क्रेडिट अर्न करती हैं, वैसा नहीं है स्वयं प्लेटफॉर्म पे, और जो उसमें पूरा कोर्स कंटेंट है उसी को अभी हम लोग अगले 4 महीनों में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं,
तो अगर आप सुबह के सत्र में जुड़ी रहती हैं तो स्वयं वाला जो कोर्स है उसका ही आप पूरा यहाँ पे कंटेंट ले पाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये कोई जो सर्टिफिकेट वगैरह जरूरी है उसके लिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए स्वयं का करना ही पड़ेगा, या जो माइनर डिग्रीज वाले चल रहे हैं कोर्सेज? हाँ, यदि आपको माइनर डिग्री में फैकल्टी के रूप में पढ़ाना है तब तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, चाहे आप स्वयं से ले लें चाहे कहीं पे अगर PhD3 का वर्कशॉप होता है फेस टू फेस उससे ले लें, परंतु यदि आपको एक कोर्स पढ़ाना है तो एक सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। अच्छा, और क्या मतलब उसके लिए क्या मुझे किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा होना जरूरी है या नहीं है तो भी आप ले सकते हैं डिग्री और पढ़ा सकते हैं? जुड़ा होना जरूरी है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। नहीं नहीं, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा मानव होना जरूरी है तो जी, बाकी और कोई कष्ट नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू जी। भैया इसी प्रश्न से जुड़ा मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो अभी स्वयं पे आपने कल मैंने ध्यान से सुना था कि अभी तो ये फ्री लर्निंग चल रहा है, लेकिन आपने ये भी बताया कि जैसा NPTEL का भी एग्जाम होता है या ऐसा वो मॉड्यूल के रूप में ये आने वाला है, इसका भी कोई प्रपोजल है क्या? क्योंकि मैं उसमें मैं हाँ बोलिए ना, प्रपोजल गया हुआ है जी NPTEL के लिए, मतलब उसके एग्जाम होती है बाकायदा और उसको IIT का सर्टिफिकेट मिलता है इस तरह से? हाँ, तो जैसे स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, तो जैसे AICT है, ये AICT के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ऑलरेडी प्रस्ताव जा चुका है, अप्रूव्ड है, उसको क्रेडिट कोर्स के रूप में ऐसा अप्रूवल अब मिलना है। हाँ, तो अभी वो जो कोर्स लिस्ट आती है खुलती है, जैसे अभी जून में खुलेगी, अभी जनवरी में खुली थी, उसमें ये नहीं है। मैं भी ढूंढ रहा था कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहीं है क्या, तो वो अभी उसमें कोर्स में नहीं है जैसा। हाँ, अभी नहीं है, तो जब वो उसमें NPTEL में आ जाएगा ना जी भैया, तो उसमें बहुत आजकल इंडिया में बहुत लोग करे, मैंने खुद 30 कोर्सेज किए इस टाइप के, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, अभी फिलहाल हैप्पी, तो इस तरह से वो हो जाए तो बेटर रहेगा जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, AICT से जैसी स्वीकृति मिल जाती है उसके लिए वो हो जाएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैडम जी का भी यही क्वेश्चन था कि इसका कोई सर्टिफिकेट या कुछ है, तो उस तरह से हमको जाना पड़ेगा फिर वो मिलेगा, है ना, रजिस्टर होने के बाद, कोर्स में आने के बाद। ठीक है जी भैया, नमस्ते। जी बढ़िया बढ़िया भैया, तो लेक्चर वन में देखें तो कोर्स का ओवरव्यू है, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव देखें तो यह है कि बच्चों को इस रूप में सहयोग करना कि उनको मानव की चाहना के बारे में, मानव के लक्ष्य के बारे में, क्रियाओं के बारे में और पूरे जीने के लक्ष्य के रूप में स्पष्टता बन जाए, तो बच्चों के अंदर इस तरह की स्पष्टता बनता है। दूसरा कि उनको हारमोनी में जीने की समझ हो जाए, उतनी योग्यता विकसित हो जाए ताकि वो हारमोनी को समझता, हारमोनी में जी पाए, स्वयं में भी, परिवार के साथ भी, समाज में भी और प्रकृति में भी, पूरे सेतु में, और उसके साथ उनकी भागीदारी क्या है जीने के हर स्तर पर उनका स्पष्ट हो पाए, तो बच्चों को इसमें सहयोग करना। तो ये कि 3 कोर्स जो माइनर डिग्री में जा रहा है, अगर उसको ऑब्जेक्टिव ग्रुप में देखें तो कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरह से रखे गए हैं, और इसके साथ बच्चों में ये भी स्पष्टता बन पाए कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीते हुए मानवीय परंपरा कैसी होगी, उसमें सिस्टम्स क्या होंगे, कैसे ऑपरेट करेगी, उसमें मानव की भागीदारी क्या होगी, स्वयं से लेकर समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी हमको स्पष्ट हो पाए, और उसके भिन्न भिन्न आयाम क्या होंगे, परिप्रेक्ष्य क्या होंगे, इन पे भी स्पष्टता बन पाए। तो मूल बात उतनी है कि जो हमने पहले बात की, तो मानव की समझ हो जाए, अस्तित्व की समझ हो जाए और अस्तित्व में मानव की भागीदारी की समझ हो जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, यही लक्ष्य रखा गया इस कोर्स के लिए भी। क्या लगता है, ठीक है बच्चों में, हायर एजुकेशन में ये बात जा सकती है कि नहीं? हेलो जी। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि ज्यादातर आदमी को जो पीड़ा होती है वो अपने लोगों से ज्यादा होती है, जो बाहर वाले लोग हैं उनसे नहीं होती जी। अपने वाला कोई कुछ भी कह देता है तो वो जैसा कहते हैं ना, एक तीर की तरह घुसता जाता है जी। अपना जी। भाई कह दे, बाप कह दे, बेटा कह दे, बेटी बेटी कह दे, वाइफ कह दे, तो आदमी को ऐसा क्यों होता है?
सबसे ज्यादा पीड़ा उसे अपने लोगों से होती है। क्या होता है, अभी हम संबंधों में एक दूसरे से अपेक्षा बना लेते हैं बिना उसकी योग्यता का सही आकलन किए, ठीक है ना। अगर योग्यता का आकलन सही हो जाएगा तो दुख नहीं होगा, योग्यता का आकलन सही नहीं होता इससे दुख होता है। और योग्यता का आकलन भी तभी ठीक कर पाते हैं जब हम उसको चाहना को, उसकी क्षमता को और उसके सुखपुर जीने कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसा भी हम परिवार में साथ साथ रह रहे हैं, अपेक्षाएं बना लेते हैं, बट हमको यही लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति का अपना अपना सुख है, हर व्यक्ति का अपना अपना जीने का ढंग है। तो एक तरफ तो हम हर व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति से भिन्न मानते रहते हैं, हर तरह से भिन्न मानते हैं, कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं पर तो हर तरह से भिन्न मानते हैं, उसका अपेक्षाएं बना लेते हैं। और तीसरी गलती ये करते हैं कि उन अपेक्षाओं से ही सुखी होने का कार्यक्रम बना लेते हैं कि अपेक्षाएं पूरी होंगी तो सुखी होंगे, नहीं होंगी तो नहीं होंगे। अभी गलती तो अपनी है ना। जी सर, जी सर। तो घर के अंदर का व्यक्ति और बाहर के व्यक्ति ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हमने जो अपेक्षाएं बना ली है वो समझ कर बनाई है बिना समझे बनाई है, और उन अपेक्षाओं की पूर्ति पे जो सुख की निर्भरता बना ली है वो तो ठीक है ही नहीं। मैंने सर एक चीज और ऑब्जर्व करी, मेरे पास में एक पेट है सर जी। मैं ओवरऑल एनालाइज करके देखता हूँ, उससे मुझे कभी पीड़ा नहीं हुई आज तक जी। जैसे लोग बाग जानवरों को एक जानवर की तरह से अलग कैटेगरी मानते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन आदमियों से तो वो बहुत अच्छा है। अभी यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा, देखिए क्या होता है, अभी हम अपनी अगर ध्यान दें ठीक है ना, तो हम एक पशु की तरह नहीं जीना चाहते। क्या लगता है कि अगर हम उस पेट को देखें, अपने आप को देखें, तो क्या हम उस पेट की तरह जीना चाहेंगे कि रोटी कोई फेंक के दे दे तो भी खा लें, है ना, रख के दे दे तो भी खा लें, ऐसा हम जीना चाहेंगे नहीं जीना चाहेंगे? ऐसा नहीं जीना चाहेंगे, है ना। तो हम खुद भी पशु की तरह जीना नहीं चाहते, अगला व्यक्ति पशु की तरह जीना नहीं चाहता, बट मानव की तरह जीना क्या है ये हमको समझ में ना आए तो हम फिर पशु की तरह किसी न किसी रूप में जीना शुरू कर देते हैं। ये व्यक्ति, ये अगला व्यक्ति भी गलती करता है, तो हम वैसा जीते हुए परेशान होते हैं, और फिर जब कभी पशु को देखते हैं और देखते हैं वो आराम में है तो हमको ज्यादा अच्छा जी रहा है, और फिर उसकी तुलना स्वयं से न करके दूसरे से कर देते हैं कि दूसरे के मुकाबले ज्यादा अच्छा जी रहा है। तो क्या हुआ, चाहते तो मनुष्य की तरह जीना है ना, बट मनुष्य की तरह जीना क्या है वो हमको पता नहीं है। दूसरे का अपना जीने पे ध्यान नहीं जाता हमारा, कई बार दूसरों के जीने पे जाता है, और दूसरों से जो अपेक्षाएं नहीं पूरी हो रही उस पे जाता है। तो जो बात होती रहती है कि अभी हम दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने के लिए लोग जो प्रयास करते रहते हैं, ये अपने आप में ही परतंत्रता है। तो जब पूर्ति हो जाती है तो हम उससे एक्साइटेड रहते हैं सामयिक रूप से, नहीं पूर्ति होती तो हम अवसाद में जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, और फिर हम अपने अंदर तुलना करते हैं, फिर हमको कई बार लगता है पशु ज्यादा अच्छा है। तो हम ये तो कहते हैं भाई हमें तो कुत्ते की तरह स्वामी भक्त है ना साथी मिले, ठीक, बट हम किसी व्यक्ति के लिए कुत्ते की तरह स्वामी भक्त नहीं बनना चाहेंगे, जो पैर से मारे तो भी हम है ना उसके सामने दुम हिलाते रहे, ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि नहीं? जी जी जी। तो इसमें वो सारी गलतियां शामिल हो जाती हैं। तो हम मानव की तरह कैसे जिएंगे इसको समझना जरूरी है, उसी लिए तो बात हो रही है। मानव की तरह अगर हमको जीना है तो मानव का ज्ञान तो हो, और मानव चूंकि अस्तित्व में जी रहा है वहीं से सारा दुख पैदा हो रहा है उसके लिए, ठीक, नहीं समझ पाने कारण, तो अस्तित्व का ज्ञान भी हो और इसमें अपनी भागीदारी का ज्ञान भी हो। ये काम छोड़ दें तो हम इसी तरह उलझनों में जाते हैं, तो कभी हमको लगता है कि पूरी दुनिया जीत लेंगे, ठीक, कभी लगता है हम किसी काम के नहीं, कभी लगता है कि ये जो हमारे घर में जो हमारा साथी है, ठीक, चाहे हमारा बच्चा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, ये दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है क्योंकि ये हमारे इशारों पर चलता है, और जिस दिन नहीं चलता उस दिन लगता है कि ये पशु से ज्यादा अच्छा है कि नहीं? जी सर, जी सर। हाँ, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि एक तो हम अपने ऊपर काम करें ठीक से मन लगाकर, और दूसरा हमको ये दिखाई दे कि हम किसी चीज को अगर श्रेष्ठ मान भी रहे हैं तो क्या हमने समझा है या ऐसा समझे बगैर मान लिया है। तो या तो हम पशु को श्रेष्ठ मान लेते हैं या हम कुछ
विशेष व्यक्तियों को श्रेष्ठ मान लेते हैं, ठीक, और हमारा श्रेष्ठता का समझ भी नहीं बनता और हम खुद श्रेष्ठ होने के लिए ध्यान भी नहीं दे पाते कि नहीं। मतलब सब ऐसा उसके साथ ऐसा क्या होता है, एक हमारे रिलेटिव हैं साहब, वो बॉम्बे से बाई रोड अपने पेट के लिए, क्योंकि वहां से फ्लाइट यूएसए के लिए नहीं थी जो पेट को ले जा सके, बाई रोड आए उसके लिए दिल्ली, दिल्ली आके 6-7 दिन रुके होटल में, उसके बाद यहाँ से फ्लाइट थी तब यहाँ से गए। बहुत लोगों ने कहा यार क्या पागलपन कर रहे हो, तो वो कहते हैं साहब इसके लिए मैं अपने शरीर का कोई सा पार्ट ट्रांसप्लांट होना हो सब दे दूंगा। अभी दूसरे के बारे में बात नहीं करते, देखो फिर वो कहानी कुछ और शुरू हो जाएगी ना, अभी अपने बारे में बात करते हैं। नहीं तो... मैं सब एक उसके साथ इतनी इंटीमेसी क्यों हो जाती है आदमी को? देखिए आप अपने आप में देखें कि आपको इंटीमेसी होती कि नहीं, उसका कारण मैंने बताया। अब ये मानव के साथ ठीक से ना जी पाए तो हम पशु पक्षियों के साथ ठीक से जीने का प्रयास करते हैं ना, पीतल की मूर्तियों के साथ ठीक से जीने का प्रयास करते हैं, घर के वस्तुओं में ठीक से जीने का प्रयास करते हैं, अभी हम ऐसा ही शुरू कर देते हैं। मतलब फाइनली वो ये ऐसा मानव की समझ ना हो के उससे जो पीड़ा होती है फिर हम दूसरे के साथ जीने लगते हैं जी, फाइनल कंक्लूजन यही हुआ ना साहब? जी जी, बट अपने ऊपर ध्यान देना नरेश जी, आपको काफी समय हो गया, अधिकतर जो आपका उदाहरण आता है वो दूसरों को लेकर आता है, अभी थोड़ा अपनी ओर ध्यान दें, है ना, कि हमारे जीने में कहां चूक हो रही है नहीं। अरे साहब मैंने इसलिए कहा ना, अपने आप भी देखने के बाद ही कहा गया, मुझे उससे ज्यादा एक इंटीमेसी रहती है फिर भी ठीक बात है, मतलब उसके लिए खाने का टाइम हो गया जी। तो मैं सब कुछ छोड़कर भाग कर आता हूँ। हाँ तो हमें अपने आप में भी देखना पड़ेगा कि ये मानव के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, अगर मानव साथ कंफर्टेबल नहीं है तो अपने कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, टीवी के साथ जीने का प्रयास करते हैं, मोबाइल के साथ जीने का प्रयास करते हैं, कुत्ते के साथ जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं, तो मानव के साथ कंफर्टेबल हो जाए। जी सर, जी सर, जी बढ़िया बढ़िया। परेशानी साहब सबसे ज्यादा जो होती है वो जीने में मानव के साथ ही होती है। हाँ तो वहां पे काम करें ना फिर, उससे हमें बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं जी, आइदर इन फैमिली और एट वर्क प्लेस, है ना। देखिए आप वो भी अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको मानव के साथ जीने में परेशानी उतनी नहीं जितना अपने साथ होने में, आप अपने साथ रह के देखिए 7 दिन, ये कोई अगला मानव नहीं है, पशु नहीं है, है ना, गैजेट नहीं है, फिर देखिए हम कितने आराम में है, तो आप पाएंगे कि हम तो अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मानव के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है। हाँ वो भी साहब बहुत व्याकुलता हो जाती है अकेले रहने के बाद, इसलिए हम स्केप रूट निकालते रहते हैं। जी 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 जी, ये साहब काफी टीडियस वो सब्जेक्ट होता जा रहा है सीरियस मामला तो है ही नहीं सर, मुझे अब तो लगता है कि ये बीटेक एमटेक एमबीए पीएचडी इन सबसे ज्यादा टीडियस है जी, मामला तो गंभीर है ना, क्योंकि बीटेक तो 4 साल में पूरा हो जाता है, अनुभव तो पूरा ही नहीं होता मुश्किल है। अरे सब मैं देख रहा हूँ कि मैं 2007-08 से कर रहा हूँ और जितना घुसता जाता हूँ उतना ही और टीडियस होता जाता है। नहीं अब इस बैच में आपसे अपेक्षा होगी कि अब आप अपने बारे में पूरी तरह से ध्यान देंगे, अपने बारे में प्रश्न करेंगे, ठीक रहेगा ये जी, सब ऐसा होता है ना, कभी कभी वो प्रश्न तो अपना ही होता है लेकिन अपने ऊपर कहने की जैसा आदमी की फेस करने की हिम्मत कम होती है तो दूसरे को ऊपर कह के फिर बात को सुनना चाहता है साहब जी जी, मतलब वो एग्जांपल तो अपना ही होता है बेसिकली साहब जी, लेकिन उसे सेट किया जाता है वो दूसरे के लिए सर वो ना करे फिर अपने बारे में ही सीधे बात करे, अभी देखिए लोग अपने बारे में कितनी गंभीरता से बात कर लेते हैं तो अपने बारे में सर, जी सर जी बात तो साहब अपने से ही अपनी समस्या हल हो जाए फिर तो कोई समस्या ही नहीं है साहब, वही तो चाहते हैं कि हमारे अंदर समाधान हो जाए ताकि हम समस्या मुक्त हो जाए। मैं साहब वही देखना चाहता हूँ कि जहां मैं पैदा हुआ वहां पहले से ही कभी रिसोर्स की कमी नहीं थी, आने वाली 3-4 पीढ़ी के लिए भी नहीं थी जी। फिर हम क्या पागलपन करते रहे, अब लगता है साहब ये सब पागलपन ही था।
देखिए समय रहते दिख जाए तो निकल भी जाएंगे, है ना, नहीं तो हम उसी को उपलब्धि माने रहते हैं, उसी को हम जेवर मानकर गहना मानकर सजाते रहते हैं और उसको हम, है ना, अपनी पूंजी माने रहते हैं कि नहीं। जी सर, जी सर, जी सर, जी ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बढ़िया भैया। सर मैंने UHV 1 और UHV 2 गोपाल बाबू के साथ और पांडे जी भी थे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेल्फ को एक्सप्लोर करा और वो काफी फायदेमंद रहा। फर्स्ट यूएचवी फर्स्ट तो मेरा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ घर में, तो उसके साथ साथ मैंने UHV 1 क्लियर करा कि मेरे बेटे के देखने के लिए बाहर से जो उनकी बेटी वाले आए थे, तो अगर मैं ये UHV 1 नहीं करती हो सकता मेरी बहुत सारी डिमांड्स होती और मैं कुछ ऐसे इंटरकास्ट मैरिज थी तो एग्री भी नहीं हो पाती। तो जब हमने अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करा तो सारी हैप्पीनेस मेरे को ऐसा लगी कि बच्चों की हैप्पीनेस के साथ ही हम लोग की हैप्पीनेस कंप्लीट होती है। तो कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं थी, तो यही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करके किसी भी मटेरियल की ना हम लोगों ने डिमांड करी और बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कंप्लीट हुआ। तो मेन तो जो है कि सेल्फ में हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्लोर करना है वही है कि इसके ऊपर हमें जितना ज्यादा काम करा जाए वो ही ऐसे लग रहा है कि बहुत कम होगा। तो यही मेरा एक था कि जैसे फैमिली में अगर हैप्पीनेस है वो ऑब्वियसली हम अदर्स के लिए भी वो हैप्पीनेस प्रिपेयर कर सक रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे हम एज अ प्रोफेसर मैं वर्क कर रही हूँ, तो वो हैप्पीनेस हम दूसरों को भी अगर हम ऐसे अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करके तो हमें कोई कंट्राडिक्शन रह ही नहीं गई दूसरे के साथ, तो हमारी कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं फिर। तो बस यही एक छोटा सा था कि उसके ऊपर वर्क करना बहुत मुश्किल है और धीरे धीरे प्रैक्टिस में हूँ, देखो कहाँ तक सक्सेस होता है। बस धन्यवाद सर। जी बढ़िया बढ़िया दीदी, आप सुबह के सत्र में जुड़े रहें नियमित रूप से, अच्छा रहेगा। जी 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 बढ़िया, धन्यवाद। ओके।